हेलो फ्रेंड, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के बारे में कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है और उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कितने तरह का होता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक तरह का टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो क्या करता है, आपके सिस्टम के सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट करता है और उसके बाद एक अलर्ट को जारी करता है। अलर्ट जारी करने के बाद क्या होता है कि आपकी जो भी सिक्योरिटी ऑपरेशन टीम होगी वो इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी इशू होगा उसको फिक्स आउट करने का काम करती है। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक तरह का टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो क्या करता है कि सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट करके एक अलर्ट को जारी करता है। अलर्ट जारी करने के बाद आपकी जो भी सिक्योरिटी ऑपरेशन होगी, ऑपरेशन वाली सिक्योरिटी टीम जो होगी वो क्या करेगी, उस फिक्स जो भी बग होगा उसको फिक्स आउट करने का काम करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें जो भी हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, ये क्या करता है कि होल नेटवर्क ट्रैफिक को स्कैन करने का काम करता है, मॉनिटर करता है जितनी भी ट्रैफिक है और डिटेक्ट करता है किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज को। मतलब कि हमारा जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है ओवरऑल पूरा जितना भी होल नेटवर्क है पूरे नेटवर्क को डिटेक्ट करता है और जो भी हमारे नेटवर्क ट्रैफिक है उसको डिटेक्ट करेगा, मॉनिटर करता है कि अगर कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटीज मिलती है तो वहां पर अलर्ट जारी कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो भी हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है वो क्या करता है, फॉल्स अलार्म को जनरेट कर देता है। फॉल्स अलार्म जनरेट का मतलब कि बिना सस्पिशियस एक्टिविटीज के ही क्या होता है कि अलार्म हमारा बच जाता है। तो ऐसा होने का कारण क्या होता है कि ऐसा कारण होने का एक ही वजह है कि जो भी हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है वो सही तरह से इंस्टॉल नहीं है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, जिससे क्या करता है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि आखिर नॉर्मल ट्रैफिक किस तरह की दिखती है और जो भी हमारे नेटवर्क ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज है वो किस तरह की दिखती है। और जब उन दोनों के बीच में वो क्या करता है, डिफरेंट नहीं कर पाता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, तो वहां पर क्या कर देता है, फॉल्स अलार्म जनरेट कर देता है। इसके लिए जरूरी है कि आप जब भी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होना चाहिए, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स अलार्म जनरेट करेगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो भी हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है वो दो टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के, दूसरा हमारा होता है नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, लेकिन यहां पे हम सबसे पहले होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को देख लेते हैं। डायग्राम की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारा होस्ट होगा जो कि मॉनिटर्स है और यहां पे इंटरनेट है जो कि इस तरफ से जाता है, मॉनिटर हमारा राउटर जो इंटरनेट से जुड़ा है और यहां पे हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितने भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेज है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेज क्या होते हैं कि जो भी हमारा डेटा होता है ओवर द इंटरनेट वो पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होता है। अब जितने भी डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है ना, या इनकमिंग डेटा हो या आउटगोइंग डेटा, इन सारे डेटा को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अगर कोई थ्रेड फाउंड होता है तो वहां पे क्या कर देता है कि ये इमीडिएट अलार्म्स को जनरेट कर देता है। आगे अगर हम बात करें तो इसको जो डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इसको एंड पॉइंट पे डिप्लॉय किया जाता है, जिससे क्या होता है कि आईडीएस यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम मॉनिटर करता है ट्रैफिक और नेटवर्क को, ट्रैफिक ऑफ द नेटवर्क एंड फ्रॉम द मशीन, जो भी हमारी मशीन होती है वो लास्ट मशीन पे क्या करता है कि डिटेक्ट करने का काम करता है। आगे अगर हम बात करें तो ये विजुअल किस पे होता है, होस्ट मशीन के ऊपर विजुअल होता है, जहां पे हम क्या करते हैं सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती है। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो मिशन क्रिटिकल मशीन के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से होस्ट मशीन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से दूसरे टाइप्स के बारे में जो कि हमारा नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की बात करें तो नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि मॉनिटरिंग और एनालाइजिंग द एंटायर इनकमिंग ट्रैफिक, जितनी भी ट्रैफिक इनकमिंग ट्रैफिक है ना, सारी इनकमिंग ट्रैफिक को क्या करता है कि एनालाइज करता है, मॉनिटर करता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंटायर प्रोटेक्टेड नेटवर्क, जितना भी नेटवर्क हो सबको क्या करता है कि एनालाइज करता है, मॉनिटर करने का काम करता है। आगे अगर हम बात करें तो इट इज विजिबल टू ऑल द ट्रैफिक फ्लोइंग थ्रू दैट नेटवर्क, और इस नेटवर्क से जितने भी ट्रैफिक फ्लो होते हैं इस सबके लिए विजिबल होता है। मतलब भाई की जो भी हो रहा है सारी चीजें इसके अंदर दिखती है। अगर
अगर जहां पे इसको लगा रखा है हमने जिस भी सिस्टम में, उस सिस्टम से अगर कोई भी ट्रैफिक आती है, इनकमिंग ट्रैफिक है, तो उसको क्या करेगा, वो पूरी तरह से डिटेक्ट और मॉनिटर करने का काम करता है। अब अगर हम बात करें तो डिटेक्ट करने के कितने टाइप्स होते हैं, वेरियस टाइप्स या थ्रेड्स को डिटेक्ट करने के वेरियस टाइप्स होते हैं नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन के अंदर। तो उसके लिए अगर हम बात कर ले तो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन होता है, और उसके बाद एनोमली बेस्ड डिटेक्शन होता है, और हमारा हाइब्रिड डिटेक्शन होता है, जिसके बारे में हम नोट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको नोट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम बस इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि दो तरह का क्लासिफिकेशन, एक होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम था, दूसरा नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम था। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है और नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि अगर आपको जानना है कि किस तरह से नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, थ्रेड्स को डिटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आप इस कोर्स की प्लेलिस्ट, इस कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस कोर्स की पीडीएफ या पीपीटी नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। बाय बाय गाइस।